So yes, Philips is the number one brand. जी हमने जुरत की टू रीडू अमित जी क्लासिक आइकॉनिक सॉन्ग सारा जमाना बट लाइक द सूट दैट मिस्टर बच्चन हैड वोन वो तो लाइट बल्ब थे एक तो भारी था एंड हर पांच मिनट पर इतना गर्म हो जाता था दैट यू शुड बी हार्ड टू इवन यू नो स्विच ऑन द लाइट्स फॉर टू मिनट्स सो आई थिंक द सूट वॉज रियली कूल इट वॉज रियली फन टू रीडू द सॉन्ग यू नो इन आर ओन स्वीट स्मॉल लिटिल वे बट आई एम श्योर ही इज गोइंग टू बी वेरी एनवियस ऑफ दिस सूट बहुत धुआं निकल गया पहले तो क्योंकि पूरा जो सूट था लाइट से भरा हुआ था तो यू नो बहुत सारे कनेक्शंस थे तो मेरी बहुत हवा टाइट हो गई थी कि अगर कहीं करंट ना लग जाए बट आई थिंक फिलिप्स एलईडी लाइट्स इज सो सेफ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं ये एक्चुअली बेरोजगारी की वजह से फिलहाल तो कोई फिल्म नहीं है मेरे पास मैं दो हफ्ते बाद शुरू करने वाला हूँ तो इसलिए उगा दी वेल आवश्यकता तो यही है कि मैं फिल्मों में काम करता जाऊँ फिलिप्स के साथ और जो मेरा लास्ट बूटे का लुक था वही जब मैं असल में जब वो बन जाऊँ तो वैसे ही डायलॉग्स बोलूँ फिलिप्स के बारे में तो होपफुली मुझे मौके मिलते जाएंगे और मैं काम करता जाऊँ मेरे हिसाब से तो और गंजा हो जाऊँगा उसमें तो थोड़े बाल थे बट फिलिप्स एलईडी लाइट्स चलता ही जाए वेल मैं अभी 30 का हूँ एक्चुअली 31 का हूँ तो अभी 20 साल है बट अभी तक वो टाइम मशीन इन्वेंट नहीं हुआ है तो मैं जानता नहीं हूँ आगे क्या होगा आजकल दवाइयाँ बहुत हो गई है सर्जरीज भी हो गई है तो बहुत कुछ हो सकता है खराब पिक्चर बनाते हो अच्छी पिक्चर नहीं बनाते हो लोगों को पसंद नहीं आती यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट बट जैसे मैंने कहा था मेरे पास भी फॉर्मूला नहीं है मैं दिल से काम करता हूँ बहुत अच्छा हमने तो 100 दिन कड़ी मेहनत से काम की प्यार से काम किया लेकिन फिल्म अच्छी बनी नहीं मेरा काम अच्छा नहीं था तो आगे जाके और जुनून और जोश में कोशिश करूँगा हमेशा से मेरी यही सोच रही है कि द ब्रांड हैज़ टू ऐड मोर देन व्हाट आई कैन ऐड टू द ब्रांड वेल बॉम्बे वेलवेट अनुराग कश्यप डायरेक्ट कर रहे हैं बट अभी फिलहाल तो हमने सिर्फ करीबन 40% शूट किया है बहुत शूटिंग बाकी है ये फिल्म इज स्लेटेड टू रिलीज दिसंबर नेक्स्ट ईयर समटाइम बट लाइक आई सेड अभी थोड़ी जल्दी है यू नो अभी एक साल आई डोंट हैव टू प्रमोट एनीथिंग मैं सिर्फ फिलिप्स एलईडी लाइट्स प्रमोट कर रहा हूँ तो देर इज नथिंग टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ जब होगा बट करण इज अ वेरी गुड एक्टर आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज जब पहले दिन जब सेट पे आए थे तो मैंने सोचा कि मैं कैसे एक्टिंग करूँगा उनके साथ आई नो हिम सो वेल पर्सनली मैं यू नो हंसते रहूँगा वो हंसते रहेंगे बट आई थिंक द काइंड ऑफ क्लैरिटी ही ब्रॉट ऑन सेट एंड द काइंड ऑफ प्रिसीजन एंड पैशन एंड हार्ड वर्क ही ब्रॉट इज रियली एडेड अ लॉट टू द मूवी तो जैसे हर साल हम सब सेलिब्रेट करते फैमिली के साथ हम सेलिब्रेट करते दोस्तों के साथ तो इस साल भी वैसे ही होगा नॉट एट ऑल क्या बात कर रहे हो मेरी पहली फिल्म सावरिया इतनी बड़ी फ्लॉप थी तो ऐसे मैं बोल नहीं भूल नहीं सकता कि आई रिग्रेट डूइंग दैट फिल्म आई थिंक मैं जो कुछ हूँ इट्स बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ माई सक्सेस बिकॉज ऑफ माई फेलियर सो आई डोंट रिग्रेट एनी थिंग आई थिंक मुझे मौका मिला अपने पेरेंट्स के साथ एक्टिंग करने का अभिनव के साथ काम करने का एंड एवरी फिल्म एड्स समवेयर टू यू समटाइम्स इट एड्स इन अ वे दैट आप सीखते हो क्या करना है क्या नहीं करना सो आई डोंट रिग्रेट एनी थिंग इन माई लाइफ वेल विद्या बालन की बॉबी जासूस में मैं काम नहीं कर रहा मैं जगह जासूस में काम कर रहा हूँ तो उसके बारे में मुझे पता नहीं मैं जगह जासूस 13 नवंबर को शुरू कर रहा हूँ वेल एब्सोल्युटली आई थिंक मिस्टर मनाडे हैज़ बीन अ ह्यूज पिलर इन दिस फिल्म इंडस्ट्री आई थिंक ही लिव्ड अ होल लाइफ ही वाज आई थिंक 91 ईयर्स ओल्ड यू नो व्हेन ही पास्ड अवे इट वॉज टुडे यस्टरडे इट वॉज दिस मॉर्निंग यस एंड आई थिंक हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा हैज़ बीन इमेंस